हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसके क्लास मुसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ में आ गया होगा वीडियो में क्या होने वाला है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मेंसुरेशन के अंदर आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के लिए आते हैं, क्लास 9th और 10th के लिए होने वाली है ये खासकर वीडियो। बाद बाकी आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो इस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मेरे 150 स्टूडेंट मेरे से ऐड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। 150 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन 150 स्टूडेंट को ऐड करने के लिए जो मैंने मेहनत करी है, या फिर एक एक बच्चा मेरे लिए कितना कीमती है वो मैं ही जानता हूँ। और 150 स्टूडेंट मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत बड़ा नंबर है 150। किसी के लिए बहुत छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन यकीन मानो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो इसी वजह से आज मेरे बॉडी के अंदर मोटिवेशन है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बनाकर लेकर आया हूँ, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। ये आपके लिए एक डेमो वीडियो होगी, ये एक डेमो वीडियो है। इस तरीके से हम फॉर्मूले याद करेंगे, कुछ बनाने की कोशिश करिए मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें क्या होगा 10th क्लास के लिए पर्सनल स्पेशल 10th क्लास के लिए वीडियो होने वाली है वो। और उसमें सारे फॉर्मूले, पूरे 10th क्लास के मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको लर्न हो जाएंगे एक सॉन्ग के अकॉर्डिंग, एक गाने के माध्यम से। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर आपने कमेंट करी तो मैं ज़रूर जल्दी से काम को, अपने वर्क को प्रोसेस करूँगा बहुत जल्दी से। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिया है, तू मेरी बात को कर ले कैच, तू मेरी बात को कर ले कैच, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH, एक राइमिंग वर्ड ढूंढना था। तू मेरी बात को कर ले कैच, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH। सी एस ए होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर होता है आपका बेलन। हिंदी वालों के लिए साथ के साथ मैं एक्सप्रेस करता जा रहा हूँ कि सिलेंडर बेलन होता है और सी एस ए आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या लिखा है मैंने। आइए आगे देखते हैं। कल तेरा मेरा हुआ था मैच, कल तेरा मेरा हुआ था मैच, और टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πR ब्रैकेट में R+H, कैसा लगा। कल तेरा मेरा हुआ था मैच और टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πR ब्रैकेट में R+H। तो मैं आपको बता देता हूँ, टी एस ए होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर मैंने आपको बता दिया, बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR ब्रैकेट में R+H। जैसा कि आपको पता है 16 फरवरी से हाई स्कूल के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस टाइम पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आपको सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। अब आपका टाइम एक महीने है समथिंग, एक महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, मैथ के फॉर्मूले को 100% रिवाइज करना है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि जितना आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। अब आपको क्या करना है कि आपको जो चैप्टर हार्ड लगते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो चैप्टर बेकार हैं, जो आपको ठीक नहीं लगते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। प्लस आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो सूत्रों को याद कर लें और डंका बजा देना। आप, मैं कह रहा हूँ आप लंका लगा के आओगे एग्जाम में, सूत्र याद कर लेना, सूत्रों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे एग्जाम में, क्लियर है। आगे चलते हैं। कल तूने फिर छोड़ा था कैच, अब हमारा और तेरा मैच हुआ तो कल तूने फिर छोड़ा था कैच, इसका मतलब पहले भी तू कैच छोड़ता रहता है। कल तूने फिर छोड़ा था कैच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H, कल तूने फिर छोड़ा था कैच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H, वॉल्यूम होता आयतन, सिलेंडर बेलन, बेलन का जो आयतन होता है वो πR²H होता है, याद रखोगे, याद रखना। चौथा पॉइंट है आपका, कल तेरा मेरा फिर होगा खेल, कल
तेरा मेरा होगा, फिर खेल और सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल, समझने की कोशिश करें, कल तेरा मेरा फिर होगा खेल और सी एस ए ऑफ कौन इक्वल पाई आर एल। अब सी एस ए होता है तुम्हें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन आपको पता है शंकु होता है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, क्लियर है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एल यहाँ पर होती है तिर्यक ऊंचाई, क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, और इसे इंग्लिश में हम स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, कल खेल होगा आर पार, कल जो गेम होने वाला है, कल जो तेरा मेरा खेल होने वाला है, कल खेल होगा आर पार टी एस ए ऑफ कौन पाई आर ब्रेकेट में एल प्लस आर, कल खेल होगा आर पार टी एस ए ऑफ कौन इक्वल पाई आर एल प्लस आर, क्लियर है। देखो ये तुम्हें पता ही है आर यहां पर रेडियस होती है, रेडियस मतलब त्रिज्या, क्लियर है। तो टी एस होता है टोटल सरफेस एरिया, कई बार बताया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका कौन, कौन मतलब शंकु का। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो लोग भी समझ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने इसमें सिलेंडर और कौन को इंक्लूड किया था, फिर मैंने एक सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर भी बना दिया, सॉरी स्पेयर, स्पेयर के लिए भी एक मैंने राइमिंग वर्ड सोचा और बनाया थोड़ा सा। तो क्यों बनता है कायर, कल जो गेम होगा, कल जो खेल होगा, तो उसके लिए कह रहा हूं, तू क्यों बनता है कायर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फोर पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तू क्यों बनता है कायर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फोर पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और मैं आपको बता दू, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और स्पेयर होता है आपका गोला, क्या होता है गोला, और गोला का आपका सरफेस एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर, और गोले के अंदर स्पेयर के अंदर आपका सी एस ए कहो या टी एस ए कहो दोनों एक ही होते हैं, उसमें कब्ड सरफेस एरिया अलग से नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि उसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है इसलिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ न्यू करने का ट्राई किया आपके लिए, कुछ अलग ही अंदाज में करने का ट्राई किया था मैंने। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाना, मेरे को बताना इस तरीके की वीडियो कितनी और डिमांड है आपकी, कितनी और चाहिए। हर एक फॉर्मूला को मैं इसी रामिंग वर्ड से करा सकता हूँ, या फिर मैंने जो आपको बताया है कि पूरे हाई स्कूल के मैथ के जो फॉर्मूलाज हैं वो सब एक गाने के माध्यम से वो आपको याद हो जाएंगे, ऐसे आपको सॉन्ग लर्न हो जाते हैं ना, ऐसे सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।